नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 13 की। लेक्चर नंबर 12 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब आगे देखिए लेक्चर नंबर 13 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे थर्मल फिजिक्स में यहाँ पर, जो कि रिलेटेड होंगे आपको थर्मल कंडक्शन से। तो थर्मल कंडक्शन की सारी थ्योरी आपने पढ़ रखी है, तो अब आगे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ आइस ऑन ए लेक इज 5 सेंटीमीटर। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में आपको थिकनेस ऑफ आइस के बारे में डिटेल बताया गया था और ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में भी उससे पहले बताया गया है। तो कहता है थिकनेस ऑफ आइस ऑन ए लेक इज 5 सेंटीमीटर एंड द थर्म एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इज -20 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर देखिए 0 से नीचे है, तो आइस तो जमेगा, तो वो थिकनेस कह रहा है कितने का जम गया है, 5 सेंटीमीटर का। इफ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर इन साइड द लेक, मतलब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर इन साइड द लेक भी 20,000 कैलोरी प्रति मिनट, मतलब इतना हीट प्रति मिनट वो जो है लेक से रिलीज हो रहा है थ्रू इच स्क्वायर मीटर सरफेस। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस के लिए अगर एरिया की वैल्यू 1 हो जाए तो आपको इतना कैलोरी प्रति मिनट जो है वो रिलीज हो रहा है, तो आपको बताना है कि के फॉर आइस जो है वो बताना है, ठीक है। तो लेक से इतना हीट बाहर आ रहा है, ओके। तो ये दिखने में तो आइस लेक है, लेकिन ये बेसिकली सीधा सीधा ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन का देखिए यहाँ पर रेट दिए हुए हैं, आपका ये रेट यहाँ बता रहा है ना कैलोरी प्रति मिनट और थ्रू इच स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये हो गया कैलोरी प्रति मिनट प्रति मीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू दे दिया। कैलोरी के लिए डेल्टा क्यू लिखिए, प्रति मिनट तो डेल्टा टी, और प्रति मीटर स्क्वायर तो ए। तो मतलब कि आपको दिया वैल्यू डेल्टा क्यू बाय ए और ये डेल्टा टी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है। बाकी वाई थिकनेस 5 सेंटीमीटर का आपका हो गया और थीटा नॉट सराउंडिंग -20। तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन के बारे में क्या पढ़ा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो भी हीट ट्रांसमिट होगा उसका रेट क्या हो जाएगा, के ए डेल्टा थीटा बाय एल पढ़ा था। तो के की वैल्यू निकालनी है, वही के आइस आपको निकालनी है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इस ए को इधर ले आते हैं, क्यों, तो हमको क्वेश्चन में देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पकड़े, तो यूनिट से, कैलोरी प्रति मिनट थ्रू इच स्क्वायर मीटर, मतलब क्या हुआ कि थ्रू यूनिट एरिया, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और नीचे में ए रहेगा, उसकी वैल्यू यूज करनी थी। तो ये आ गया, हमने रख दिया इसको, ए को इधर किया तो के डेल्टा थीटा बाय एल आ गया। तो के की वैल्यू के आइस, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, वो तो थीटा नॉट आएगा, तो लेक में बताया था 0 से -θ0 तक जाना है ना, -20 तक, तो 20 का चेंज आएगा, मतलब वही थीटा नॉट, और एल हो गया आपका वाई। बस अब सारी वैल्यूज वैल्यूज रख दीजिए, तो आपका जो हो गया यहाँ से के आइस क्या लिखिएगा कि ये वाली वैल्यू इंटू वाई बाय थीटा नॉट, वाई बाय थीटा नॉट इंटू ये वाली वैल्यू, तो बस पुट कर देना है। वाई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, तो 5 × 10⁻²² हो गया, थीटा नॉट आपका 20 का चढ़ेगा, और ये वाली जो वैल्यू दी हुई थी तो इतना कैलोरी था, तो कैलोरी को पहले बदल दीजिए जूल में, और उसके बाद प्रति मिनट है, तो मतलब 1 मिनट में इतना, तो हमको तो 1 सेकेंड में निकालना है, ऐसा ही सिस्टम में काम करना है। तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसको आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको मिल जाता है 3.5, और के की यूनिट को देखेंगे तो वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो 3.5 वाट पर मीटर केल्विन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सिंपल है, देखिए। एक कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक कॉपर का रॉड है, 2 मीटर लंबा है ये, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस है 1 सेंटीमीटर का, वन एंड इज कैप्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, एंड द अदर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द सर्फेस इज इंसुलेटेड सो दैट नेग्लिजिबल हीट इज लॉस्ट थ्रू द सर्फेस। तो सर्फेस को इंसुलेट किया गया है, नेग्लिजिबल हीट लॉस हो रहा है। के की वैल्यू आपको 401 वाट पर मीटर केल्विन यूज करना है यहाँ पे। तो क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 4 सवाल पूछे गए। द थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, थर्मल रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज कीजिए, RTH L by K, ठीक है, RTH L by K पढ़े थे आप। तो L की वैल्यू कितनी, टोटल 2 मीटर, K की वैल्यू कहा 401 यूज करना है, कर लिया, और A की वैल्यू, तो A आप क्या निकाल देंगे, A हो गया पाई आर स्क्वायर। देखिए L दिया हुआ था 2 मीटर, R दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, थीटा एच आपको एक तरफ का हाई जो रहेगा 100 और थीटा लो 0। तो आपका यहाँ से R से देखिए पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो पाई R को R 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻²⁪ मीटर पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद फिर ये हो गया 10⁻⁴ पाई टू, इतना यूज करना है। तो उसको उठा के यहाँ रखा और फिर ये सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 15.9, लगभग लगभग 16 भी आ सकता है, और केल्विन प्रति वाट।
दूसरा पूछता है द थर्मल करंट IH। तो IH के लिए आपको बताया था करंट बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वाले की तरह ऊपर में, जैसे कि चेंज इन पोटेंशियल होता है डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा डिवाइड बाय थर्मल रेसिस्टेंस। तो IH हो गया डेल्टा थीटा बाई RTH। डेल्टा थीटा चेंज इस एंड से इस एंड तक का 100 का चेंज हो रहा है, 100 लिख दिया और जो RTH निकाला था पुट किया सॉल्व किया आ गया ठीक है 6.3 वाट। तो यहाँ पे IH का वाट आ जाएगा जूल प्रति सेकेंड। फिर क्या कहा, दी टेम्परेचर ग्रेडियंट DT बाई DX। तो DT बाई DX को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, DT को डेल्टा थीटा लिखा और DX को डेल्टा एक्स लिखा नो प्रॉब्लम, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल लेंथ। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का 100 ले लिया और टोटल लेंथ भी आपको दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर ले लिया। तो ये क्या आ गया 50 केल्विन प्रति मीटर। अगला पूछा कि टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड, कहा कि हॉट एंड से 25 सेंटीमीटर आगे जाइए और वहाँ पर आपको बताना है टेम्परेचर। तो फॉर टेम्परेचर थीटा, यहाँ पे मान लिया वो थीटा होगा ठीक है। तो क्या करना है, जो हीट यहाँ से क्रॉस करेगा वही यहाँ से भी क्रॉस करेगा, तो जो हीट करंट यहाँ पे बनेगी वही आगे भी बनेगी। तो हम लोग हीट करंट के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस लिखिए इस सेक्शन में तो 100 माइनस थीटा हो जाएगा, और इस सेक्शन में लिखिएगा तो थीटा माइनस जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए 100 माइनस थीटा इधर हो गया और थीटा माइनस जीरो इधर हो गया, डिवाइडेड बाय इस सेक्शन का रेसिस्टेंस और फिर इस सेक्शन का रेसिस्टेंस। तो इस सेक्शन का रेसिस्टेंस देखिए एल बाई के है, तो एल की जगह 25 सेंटीमीटर, बाकी के रहने दीजिए, बाकी बचे हुए में क्या हो जाएगा तो 175 सेंटीमीटर बाई के एल बाई के है ना। तो इस तरह से इधर वाली दूरी 175, इधर वाली दूरी 25, तो 25 बटा के और इधर वाले के लिए 175 बटा के, बस यहाँ रख दीजिए सॉल्व कर दीजिए, कैंसिलेशन किया क्रॉस मल्टीप्लाई और थीटा सॉल्व किया तो आ गया 87.5 डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी में बता दिया, आई होप कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार खुद से सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और खुद से एक बार सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी इजी है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन देख लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4×10⁻⁴ m² दिया हुआ है, मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट द अदर एंड ऑफ द रॉड आइस इज कैप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिंग द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स फाइंड द मास ऑफ द आइस मेल्टेड इन 1 आवर। तो देखिए क्या मतलब हो गया, कहता है कि एक रॉड है कॉपर का और उसके दूसरे एंड के तरफ आपने बहुत सारा आइस को रख दिया हुआ है ना। तो कहता है कि इस आइस को बताना है कि ये 1 घंटे में कितना पिघल जाएगा, इधर से हीट जो है ट्रांसफर होके जाएगा, इधर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इधर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है। चलिए यही लिख दिया, तो बाकी सारी वैल्यू दी हुई है 1 घंटे में कितना पिघल जाएगा। तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि 1 घंटे में कितना हीट वहां पहुंचा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या फार्मूला पढ़े थे, के ए डेल्टा थीटा बाय एल पढ़े थे है ना। तो डेल्टा क्यू अगर हमको निकालना होगा तो क्या कह सकते हैं, के ए डेल्टा थीटा बाय एल इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू हमारा देखिए के वैल्यू आ गया, आपको दिया हुआ है कॉपर का क्या यूज करना है, तो 401 है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए दे रखा है 4×10⁻⁴ और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, तो वन एंड बोला ना 100 पर दूसरा 0 पर, तो डिफरेंस 100 का हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एल। एल की मतलब वैल्यू लेंथ 1 मीटर का है, 1 मीटर हो गया और इंटू डेल्टा टी। तो 1 घंटे में निकालना है तो 1 घंटे में कितने हो गए 60 मिनट और फिर 60 से गुना करो तो 60 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, इतना जूल एनर्जी हो गया ठीक है। अब इसको अगर कैलोरी में हमको कन्वर्ट करना है तो 4.2 कैलकुलेशन पर्पज से इतना कैलोरी आ जाता है ठीक। अब यही अमाउंट ऑफ हीट जो है ये 1 घंटे में इधर से उधर पहुंच रहा है, तो ये क्या करेगा, बर्फ को मेल्ट करेगा। तो बोलता है कि बताइए फिर मास ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 आवर। तो अगर हमने इसको कैलोरी में बदल लिया है तो LF की वैल्यू इन कैलोरी क्या होती है, 80 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वही चीज है तो 4.2 से तो 8×32 हाँ तो वही चीज आ जाएगा, तो मतलब सेम चीज आपको ये दिया हुआ है। और अगर SI सिस्टम में ही काम करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको 4.2 छोड़ देना है ना, और उसके बाद डायरेक्ट जो आया था वो जूल में आ गया था,
अगर आप, क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू ये सब क्या है, सभी तो क्या है एसआई में ही है, तो काम करिए इसको छोड़िए और जूल में ही रहने दीजिए, आसान पड़ेगा आपको। और एलएफ वैल्यू इसने जूल में दे रखा है तो 3.35 × 10^5 जूल प्रति केजी, तो सब वैल्यू एसआई में ऑलरेडी है, तो बस इक्वेशन क्या लगाना है। तो जो भी ये हीट आया डेल्टा क्यू, दैट इज मान लीजिए एम केजी बर्फ को पिघलाएगा तो एम इंटू एलएफ, तो एम बराबर निकालेंगे तो डेल्टा क्यू बाई एलएफ, डेल्टा क्यू है आपके पास, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ लिखेंगे और एलएफ को यहाँ रखेंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा सो कर लेंगे। तो आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बता देता हूँ क्या है। तो देखिए बच्चों मेरे पास जो कैलकुलेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये ऊपर वाला जितना है ये सॉल्व होकर डेल्टा क्यू 57,600 बन जाता है। तो 57,600 देख लीजिएगा और फिर इसका यहाँ पे भाग लग जाएगा और फिर ये भाग देखिए 0.172 आ जाता है। तो चूंकि एम आपका वही सब एसआई सिस्टम में था तो वो केजी में रहेगा और ग्राम में बदलना है तो 1000 × कर दीजिए मैंने 172 ग्राम आपका जवाब आएगा, मतलब एक घंटे में 172 ग्राम बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा क्यू निकाल लिया और डेल्टा क्यू को क्या किया एम इंटू एल के बराबर कर दिया और फिर आपका एम वहां से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है। 3 rods ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ एंड कंडक्टिविटी आर ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में सीरीज कनेक्शन दिखाया जा रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड्स आर T1 एंड T2 और T1 को कहा हायर है तो फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H। तो हीट ट्रांसफर H को H की बात कर रहा है तो यहाँ पर H जो हमारा होगा तो इसमें क्या करना है इसका इसको पहले निकाल लेंगे। सीरीज कनेक्शन है बेसिकली ये, तो सीरीज कनेक्शन में जो हम लोग इक्विवेलेंट वाला काम करते थे वही काम होगा। तो यहाँ पर T1 इस एंड में हो गया और ये T2 ये इक्विवेलेंट बनाने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा L1 + L2 + L3, इस तरह से आप सोच सकते हो। और एक काम कर सकते हैं आप इसको रेसिस्टेंसेस के रूप में भी देख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए थर्मल करंट यहाँ पे H से बता रहा है, हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब वही थर्मल करंट हो गया। तो ये H की वैल्यू जो हो जाएगी डेल्टा थीटा बाय R टोटल का जो आएगा R नेट वही बनेगा थर्मल रेसिस्टेंस टोटल का। तो ये डेल्टा थीटा तो ठीक है T1 - T2 हो जाएगा, R नेट का क्या करूँ। तो इस एक काम करिए इसका R1, R2 और R3 सबको निकाल के और सबको ऐड कर दीजिए, उससे भी काम आसान होगा है ना। तो चलिए ये वाला हम लोग इक्विवेलेंट वाले पे अभी नहीं जाते हैं, बिना उसके ही बन जाएगा आराम से। मतलब इस तरह का सर्किट बना दिया, इसका इसका जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा उसको ये लिखा, इसका जो होगा उसको ये लिखा और इसका जो होगा उसको इस तरह से लिखा R1, R2, R3 और इधर आपका ये T1 था ही, ये क्या था T2 था। तो जो भी करंट जाएगा थर्मल करंट सबसे एक जैसा ही जाएगा। तो नेट इसका जो इक्विवेलेंट में हम लिखेंगे तो वो इक्विवेलेंट में R1 + R2 + R3 कर देते हैं T1 से T2 है ना। और वही आपका जो भी यहाँ पे थर्मल करंट को यहाँ H से दिखा रहा है तो जो भी H यहाँ फ्लो हो रहा है वही H आपका इधर जो फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब R1, R2, R3 क्या लिखिएगा तो यहाँ साइड में देख लीजिए R1 L/KA फॉर्मूला होता था तो इसका L1 हो जाएगा बाय K1A, R2 उसी तरह से L2 / K2A, R3 उसी तरह से L3 / K3A हो जाएगा है ना। और उसको यहाँ पे पुट कर देना है बस, तो T1 - T2 और आपका हो गया ये L1 / K1A, L2 / K2A, L3 / K3A। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपका, फिर चूंकि इसी सब टर्म में दिया हुआ है और ए आपका ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपको लेना ही पड़ेगा, ये मान लीजिए इसमें मेंशन करना चाहिए था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर इसी तरह से आई होप कि दिखा आपको। चलिए तो अपने से भी एक बार देख लेना है फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये दोनों, पढ़ते हैं। ए कंपोजिट स्लैब इज प्रिपेयर्ड बाय पेस्टिंग 2 plates ऑफ थिकनेस L1 and L2, L1 और L2 थिकनेस का 2 plate को साथ दिया गया, पेस्ट कर दिया मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया गया एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1 and K2 दिया हुआ है। द स्लैब्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तभी वो सीरीज में आता है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, ठीक कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो भी रेसिस्टेंस R1 + R2 यहाँ पे बन रहा है, ये R1 का और ये R2 का, इस दोनों का इक्विवेलेंट लीजिएगा
वही आर इक्विवेलेंट यहाँ पे बना है ना, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इस तरह से। और पैरेलल सीरीज वाला और पैरेलल वाला दोनों की थ्योरी आपने पीछे के लेक्चर में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके वहाँ एक बार क्लियर कर लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आर इक्विवेलेंट को क्या करना है, एल बाई के, तो एल उसका क्या है, एल वन प्लस एल टू बाई के इक्विवेलेंट और इन टू ए, और आर वन क्या हो गया, इसका हो गया एल वन बाई के वन और इन टू ए, उसी तरह से एल टू बाई के टू इन टू ए, ऐसे। तो ए आपका जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा है ना, अब जो बच गया सो आपका यहाँ से के को क्या पूछता है आपसे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो यही के इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो कैसे करना है भाई, इसको इधर लेके जाना होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो इसको इधर ले आइए, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू, इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं है ना। तो ये आपने पहले भी कर रखा है थ्योरी में, एक बार फिर से बता दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, आता रहता है। क्या कहता है, द थ्री बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ देखिए तीनों का इक्वल है, एंड ऑफ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो ऑफ 2, 4, 3, यहाँ पे 2, 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, इफ द ओपन एंड्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बार्स आर एट टेम्परेचर्स 200 इधर का एंड 18 इधर का रिस्पेक्टिवली इन द स्टेडी स्टेट, मतलब कि सेम करंट फ्लो होगा सब में, तो कैलकुलेट द टेम्परेचर्स ऑफ बोथ द जंक्शंस θ1 θ2 दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से चलिए, तो जो भी हीट करंट यहाँ से गुजरेगा वही हीट करंट यहाँ से भी चलेगा, वही हीट करंट यहाँ से भी चलेगा। तो मान लीजिए दिस इज I1, दिस इज I2 और दिस इज I3, तो सीरीज कनेक्शन है, तो वी हैव I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ऐसे लिख सकते हैं। अब I1 क्या लिखना है, तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस θ1 बाय यहाँ तक का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाई के, तो आपने कहा के मामले में कि इसका हो गया 2 टाइम्स, तो इसको मान लेना है 2K, ये 4 टाइम्स तो ये हो गया 4K, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स तो इसको हो जाएगा 3K, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो यहाँ हो गया के की वैल्यू 2K और ये तो रहेगा ही एल बाई के, सो दिस इज इक्वल टू I2 वाला में, तो वो हो जाएगा θ1 माइनस θ2 एंड डिवाइडेड बाई एल अपॉन के, तो उसका 4K हो जाएगा के वैल्यू, बाकी तो ये रहेगा, एंड I3 वो हो जाएगा θ2 माइनस 18 एंड देन डिवाइडेड बाई एल बाई, और वहाँ पर क्या है 3K और इंटू ए, तो ए तो आपका कोई काम नहीं आने वाला, कैंसिल हो गया, एल भी आपका हट गया, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिखना है, तो यहाँ से देखिए के भी हटा दीजिए, चलिए अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया 400 माइनस 2θ1 इक्वल टू, ये 4 ऊपर ले जाइए तो 4θ1 माइनस 4θ2 इक्वल टू, ये 3 ऊपर ले जाइए तो 3θ2 माइनस 54, 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस बन गए, अब यहीं से आपको सॉल्व करना है θ1 θ2 निकालना है, तो गाइडिंग इक्वेशन मेन यही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको कुछ मान लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए K0 कुछ मान लीजिए है ना, और उससे क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से बना दीजिए, पहले निकालिए θ2, तो θ2 कितना बनेगा, तो K0 प्लस 54/3, और इधर से θ1 निकाल लेंगे, तो ये भी तो आपका 400 माइनस 2θ1 बन जाएगा K0, 2θ1 को उधर किया उसको इधर लाया तो 400 माइनस K0, ठीक है, तो θ1 तो बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 400 माइनस 2θ1 K0 था, अब क्या किया K0 को इस तरफ लाइए, 2θ1 को उधर ले जाइए, तो 2θ1 बराबर 400 माइनस K0 हो जाएगा, अब ये 2 को इधर ला रहे हैं तो यहाँ पर 200 कर देगा, अब यहाँ K0 बाय 2 कर देगा, तो वही लिख दिया हमने, तो θ1 और θ2 हम लोग इस साइड और इस साइड से निकाल लिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे है ना, तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये था हमारे पास 4 टाइम्स θ1 माइनस θ2, तो चलिए θ1 माइनस θ2
थीटा वन है हमारे पास 200 माइनस के नॉट बाई टू, ये हमने थीटा वन लिखा, फिर माइनस, चलिए फोर कॉमन कर लिया है, फोर को कॉमन कर लिया हूँ, मतलब फोर थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर के नॉट का काम कर रहा हूँ। तो थीटा नॉट पहले लिख दिया इसमें, और ये वाला थीटा नॉट अब डालेंगे थीटा टू। तो थीटा टू क्या है, माइनस ऑफ के नॉट बाई थ्री है ना, और ये वाला भी माइनस होकर के आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर इसको दो पार्ट में तोड़ा जाए तो के नॉट बाई थ्री और प्लस 18, ठीक है, ये चीज जाएगा के नॉट बाई थ्री प्लस यहाँ से इस 54/3 हो गया 18, तो ये वाला, तो इसमें माइनस लगा देना है, तो माइनस माइनस ये ऐसा। तो हमने ये वाला पार्ट लिखा 4 थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 यहाँ से यहाँ रख दिया, थीटा 2 यहाँ से यहाँ रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, के नॉट, दिस इज इक्वल टू के नॉट। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जितना भी आ जाए। ये 4 को हटा लीजिए यहाँ से, इधर रख देता हूँ, 4 हो गया उधर, ठीक है, और फिर के वालों को एक साथ, तो के नॉट बाय 4 प्लस के नॉट बाय 2 प्लस के नॉट बाई थ्री, ये एक साथ हो गया, और इधर इसको माइनस करिए, 200 में से 18 हटा लीजिए, तो 100 182, ठीक है, ये बचेगा। और अब इनका आपका जो भी एलसीएम आया, सो अब यहाँ पर देखिए फाइनल काम करते हैं, 4, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, 8, 12 पर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 times 3 के नॉट, ये हो जाएगा 6 के नॉट, और ये हो जाएगा 4 के नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 182। नाउ फर्दर 6, 4, 10, 10, 1, 13, 13 times k0 by 12 इक्वल टू 182। तो 13 से देखिए भाग लग रहा है क्या, लग जाएगा 14 times, ठीक है, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका के नॉट आ गया 12 into 14, तो 14 into 12 कितना हो गया, 168, ठीक है। अब जैसे के नॉट आपको मिल चुका, तो बस इसमें रख दीजिए थीटा वन आ जाएगा, और इसमें रख दीजिए थीटा टू आ जाएगा, तो थीटा वन क्या मिल जाएगा आपको, इसको छोड़ दीजिए, तो थीटा वन, तो थीटा वन हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 200 माइनस के नॉट हमारा है 168 बाई 2 करना है यहाँ से, तो क्या हो गया ये, इसको पहले भाग ही दे दीजिए 84, तो 200 माइनस 84, तो कितना हो गया ये 116, ठीक है, 116 डिग्री सेल्सियस, एक आंसर यहाँ पे आ गया। और उसी तरह से के नॉट जब प्राप्त हो गया तो यहाँ पे रखेंगे तो थीटा 2 आ जाएगा, थीटा 2 क्या आ जाएगा, के नॉट बाय 3, तो उसको 3 से भाग देना पड़ेगा है ना, 168/3 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, तो 3, 5 से और फिर 6, 56 प्लस 18 कितना हो गया 74, तो 74 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए, तो एक आपका टेम्परेचर 116 निकल गया, और एक निकल गया आपका 74, तो यहाँ पर क्या हो गया 116, और यहाँ पर आ गया आपका 74 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो ये है आपका जेन्युइन तरीका, इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो ऐसे आपको इक्वेशन बनाने होंगे, और फिर इक्वेशंस को इस तरह से कुछ के नॉट वैल्यू से मान के इधर का सॉल्व कर लिया, इधर का सॉल्व कर लिया, दोनों को फिर इसमें पुट कर दिया एंड सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए एक दूसरा मेथड भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गुणा भाग हो जाता है ज़्यादा, तो अगर उससे थोड़ा बचना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बताता हूँ। आइए बच्चों, तो मेथड 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 2k 4k 3k, जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि जो k वैल्यूज है वो 2, 4 और 3 के रेशियो में है, तो इसको 2k कह लिया था, इसको 4k कह लिया था, इसको 3k कह लिया था, तो आपको 2k 4k 3k का एलसीएम ले लेना है, तो ऑफकोर्स ये कहाँ गया 12k, ठीक है। अब फाइंड corresponding resistances फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन का आपको corresponding रेसिस्टेंस R के टर्म में लेना है, वहाँ पे आपको मानना क्या पड़ेगा, जो भी ये 12K आया तो 12K के corresponding resistance R मान लीजिए,
और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग 2K 4K और 3K के लिए निकाल लीजिए, 2K 4K 3K के लिए। तो 2K जो अब आपका आ गया वो देखिए ये 12 है, 12 के लिए R है, तो ये 12 से 2 आया, मतलब 6 टाइम्स कम हुआ, तो रेसिस्टेंस 6 टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए R इक्वल टू L बाई के होता है, और L और A सबके लिए सेम था, तो इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ये R और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि K जहाँ पर कम होगा वहाँ पर R बढ़ जाएगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 12K है, यहाँ पर 2K हो गया, तो ये कम हुआ है, तो R क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना टाइम्स ये कम हुआ है उतना ही टाइम ये बढ़ जाएगा, तो ये 6 टाइम कम हुआ है तो 6 टाइम बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 4 आ गया तो ये 3 टाइम कम हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ा के 3R कर दीजिए। ये पे देखिए 4 टाइम कम हो गया, तो यहाँ पे बढ़ा के 4 टाइम कर दीजिए, है ना। तो करस्पॉन्डिंग सेक्शन का आपका रेसिस्टेंस 6R 3R एंड 4R ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सबको ऐड कर लीजिए। सबको ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा, वही 13R आ गया, 4 3 7 7 6 13 R आपका यहाँ पर दिख गया। अब क्या करना है आपको, डेल्टा थीटा जो है इधर से उधर का कैलकुलेट कर लीजिए, और वो आया आपको 182। तो इसका मतलब हुआ कि 13R जो होगा ना वही इसका ओवरऑल बनेगा। अब वो 182 के हिसाब से कितना का ड्रॉप कराएगा इच आर, वो देखना है। तो 13R की वजह से 182 का ड्रॉप आ रहा है, तो 1R की वजह से, तो 182 बाई 13 जो कैलकुलेट करोगे तो ये निश्चित रूप से अक्सर एग्जाम में आपको ये पूरा पूरा कैंसिल होने वाला ही डेटा देगा। तो ये कैंसिल होके आ गया 14, ठीक है। जिसका मतलब हुआ कि फॉर इच आर वैल्यू देयर इज टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक आर क्रॉस करने में 14 डिग्री से टेम्परेचर जो होता है वो नीचे आ जाता है इधर से उधर जाने में, और उधर से इधर आएगा तो बढ़ जाएगा, है ना। चलिए तो करस्पॉन्डिंग टू 6R, तो पहला वाला का जो रेसिस्टेंस बन रहा था 6R के हिसाब से बन रहा था, एक आर का 14 हो गया, तो 6R का कितना, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 84 का ड्रॉप आएगा। फिर दूसरे वाले 3R के अक्रॉस में कितने का, तो 42 का ड्रॉप आ गया, 3 × 14, और इसी तरह से 4R के अक्रॉस तो 4 × 14, तो 56 का ड्रॉप आ गया। अब ये ड्रॉप जब आप जान रहे हैं तो अब आप आंसर लिख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ 200 हो गया, पहला ड्रॉप करेगा कितने का, 84 का, तो 200 माइनस 84 कर दीजिए तो 116 आ जाएगा। उसी तरह से सेकेंड ड्रॉप कर रहा है कितने का, 42, तो 116 माइनस 42 कर दीजिए, निश्चित रूप से 74 आ जाएगा। और उसी तरह से 74 माइनस 56 कर देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, लास्ट वाला 18 पकड़ लेगा। या अगर उधर से आना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 18 यहाँ पे दिया हुआ है, उधर से इधर आओ तो उधर से इधर में इस वाले का सेक्शन का 56, तो 56 इसमें ऐड कर दो, बढ़ जाएगा, उधर से इधर आएंगे तो बढ़ जाएगा, तो 56 इसमें ऐड करेंगे 74 आ गया, फिर 42 ऐड करेंगे इसमें तो 116 आ गया, और 116 में फिर ऐड कर दो 84, तो यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, देखिए क्या करना है, 2 4 3 दिया हुआ है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 4 3 जो भी डेटा में दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना मिला, 12 मिल गया। तो 12K हो गया, तो 12K के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस R मानना है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि सेक्शंस क्या क्या है, 2K 4K और 3K, तो 2K के कॉरेस्पॉन्डिंग, 4K के कॉरेस्पॉन्डिंग और 3K के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस देखना है। इसमें ध्यान रखना है कि ये जितना गुना कम होगा, तो ये 6 टाइम्स कम हुआ है तो ये उतना ही टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 6 टाइम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे नीचे हुआ है तो ये 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6R। इसी तरह इसको देखिए कि ये कितना टाइम नीचे गया है, तो 12 से 4 हो गया तो 3 टाइम नीचे गया, तो ये वाला 3 टाइम ऊपर आ जाएगा, सो ये 3R। और ये उसी तरह से कितना टाइम, 4 टाइम्स नीचे गया, तो 4 टाइम्स नीचे गया, नीचे आया तो ये 4 टाइम ऊपर चला जाएगा, समझा क्या, ये चीजें हो गया। अब इसको जोड़ लेना है, तो 6 × 3 9 = 4 = 13, 13R हो गया। तो 13R जो होगा ये ड्रॉप कराएगा टोटल का टोटल यहाँ से वहां तक, मैंने 200 माइनस 18 जिसको हमने किया तो 182 आया। तो 13R के कॉरेस्पॉन्डिंग 182 का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो R के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लिया, तो 182/13 इसको सॉल्व किया तो 14 डिग्री सेल्सियस का हमको ड्रॉप मिला। अब एक R के कॉरेस्पॉन्डिंग 14 का ड्रॉप, तो आपने जो पहला सेक्शन निकाला था वो कितना था, 6R, तो 6R के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉप, और फिर यहाँ पर कौन था 3R, और यहाँ कौन था 4R, तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉप निकाल के आंसर सजा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड आपको सूट करे दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ भी एन एल्यूमिनियम रॉड एंड
कॉपर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर का दोनों रॉड है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आर वेल्डेड एज शोन, तो एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में आपका वेल्डिंग किया हुआ है, तो फाइंड द हीट करंट। तो बोथ केसेस में आपको हीट करंट फाइंड करने को कहता है। तो बहुत इजी है, आपको पहले एल्युमिनियम रॉड और कॉपर रॉड का जो भी आर वैल्यू होगा वो निकालना है, थर्मल रेसिस्टेंस एल्युमिनियम का और कॉपर का निकाल लिया हमने, एल अपॉन के ए का वैल्यू, तो एल हो गया आपका 1 मीटर बोल दिया था, तो हो गया 1, के ए तो के आपका देखिए एल्युमिनियम का यहाँ पर है, कॉपर का यहाँ पर है, दोनों का आपको पुट कर देना है, और ए वैल्यू, ए वैल्यू देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वहाँ दिया हुआ है, मतलब 10^-4 मीटर स्क्वायर, तो ऐसा ही सिस्टम में काम करना था, तो 10^-4 में हमने यहाँ भी पुट किया, तो इसको सॉल्व कीजिए 50°C/W आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करिए 25°C/W आ गया। अब पहले केस में कहता है हीट करंट, तो वो क्या देख रहे हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्शन है, तो नेट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, RS दोनों ऐड हो जाएंगे, 50, 25, 75 हो जाएगा, और उसके बाद करंट निकालना है, तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस, देख सकते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100-25 जो 75 का आएगा, और RS भी 75 था, तो 1 वाट का आपका करंट बन गया, क्लियर है। और उसी तरह से पैरेलल में जब कनेक्शन कर दिए हैं, तो आपका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों को गुना करो, जोड़ के भाग दो, R1 R2 / R1 + R2, इस फॉर्मूले को लगाते हुए 50 और 25 का जो गुना किया जोड़ के भाग दिया, सॉल्व कीजिए 50/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो IH आ गया, तो Δθ/Rp, तो डेल्टा थीटा तो वही रहेगा 100 से 25, इसको भी आपने किया हुआ है, Rp 50/3 है आपका, 3 ऊपर चला गया, और इस तरह से आपने सॉल्व किया, क्या आ गया 4.5 वाट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान देना है, अभी से नीट में भी पूछा हुआ है इस तरह का। देखिए, 3 identical rods have been joined at a junction to make it a Y-shape. तो Y-shape इस तरह से दिख रहा है structure. If two free ends are maintained at 45, यहाँ पर का temperature दिया हुआ है, and the end is at 0°, यहाँ पर कहता है, then what is the junction temperature T? यहाँ का temperature निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें वही current वाला काम करेंगे। देखिए, identical rod दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि resistance सबका एक जैसा होगा, तो इधर से जो भी करंट आएगी, अभी देखिए ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो ये आई आई मान लीजिए, आई आई थर्मल करंट उधर से आया, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए इसमें भी आई आएगा, तो इसमें भी आई आएगा, और मिलके इसमें 2I इधर से पास कर जाएगा, ये हायर पर था इसलिए, तो बस अब कुछ नहीं करना। तो इसके हिसाब से अब अपना देख लीजिए आई कितने का हो रहा है, थर्मल करंट है वो, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो गया, 45 माइनस टी का हो जाएगा थर्मल करंट, और डिवाइडेड बाय जो उसका अपना थर्मल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, मान लीजिए आर है वो, एक रॉड का अपना आर है, ओके। और उसी तरह से यहाँ पर जो ये 2I आ रहा है, इसके लिए लिखिए ऑल्सो, तो यहाँ पर टी था या जीरो था, तो इसका जो 2I बन रहा है, इसमें जो करंट है वो बन रहा है, तो टी माइनस जीरो तो टी हो गया, और डिवाइडेड बाय इसका भी रेसिस्टेंस तो आर ही ना है, तो आर हो गया, ठीक है। तो अब आपका आगे का काम क्या होगा, सिंपल होगा, यहाँ पर तो आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड ही कर दीजिए, या फिर इसको उठा के उसमें रख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए आई था ही हमारे पास, इसको उठा के इसमें रख देते हैं, तो 2 times I की वैल्यू ये थी, मतलब 45 - T/R इक्वल टू T/R, इससे क्या हुआ, आर खत्म। अब देखिए 90 - 2T इक्वल टू टी इधर जाएगा, तो 3T हो जाएगा, 3T = 90, तो इसका मतलब टी कितने का आ गया, 30°C का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करंट का बेसिक ऑपरेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और करंट के लिए आप जानते हैं क्या लिखना है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, क्योंकि आइडेंटिकल रॉड्स थे, तो जो भी रेसिस्टेंस इसका आर अगर लेंगे तो इसका भी आर होगा, इसका भी आर ही हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल नहीं देगा तो जो भी कोरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस होगा निकाल लेना होगा, और उसके हिसाब से करंट की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड आप लिख लिए। तो एक बार आपको इस सेक्शन में लिखना था, अब ये भी आइडेंटिकल था तो वही आपको वैल्यू देता, इसलिए इधर की लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद क्या हो गया, इधर वाला लिखना था, तो 2I, तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस था बाय इसका रेसिस्टेंस, दोनों इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी था। चलिए बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं उसी तरह से। 3 rods है मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, सॉरी डिफरेंट लेंथ्स 10, 20 and 30 cm का ज्वाइंट एज शोन, इस तरह से द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज, तो उसी तरह का प्रॉब्लम है देखिए, लेकिन इसमें क्या हो गया,
सेम मटेरियल है आपका, और तो के वैल्यू सबकी सेम हो गई, प्रोसेसर एरिया भी सेम है, बस आपका लेंथ अलग है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं भैया, आर थर्मल रेसिस्टेंस क्या पढ़ते हैं, एल बाई के, ठीक है, के और ए वैल्यू सेम है सबका, तो आर जो भी थर्मल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा थर्मल रेसिस्टेंस बनेगी। तो यहाँ पे बोल रहे हो आप 20 सेंटीमीटर का, यहाँ 30 का, यहाँ 10 का, तो 10 का अगर मैं आर मान लूँ तो 20 का 2R और 30 का 3R हो जाएगा, बस सिंपल सी ये बात रखनी थी। अब देखना है क्या हमको, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन देखना है यहाँ पर, तो मान लीजिए ये टेम्परेचर जो हो गया है थीटा हो गया, और बस 30 हायर हुआ ना, तो इधर से कोई हीट करंट भेज दो, तो मान लो इधर से I1 गया और इधर कौन हो गया 20, तो 20 से भी कुछ हीट करंट ले आओ, उधर से I2 ले आओ, और ये दोनों मिला करके इसमें चला जाएगा, तो मान लीजिए I3 हो गया, 10 इधर सबसे कम था तो इधर कर लिया, ठीक है। वैसे आप किसी को भी किधर भी डायरेक्शन देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बस जैक्सन रूल सही से लिखना चाहिए कि जितना आएगा उतना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जैक्सन रूल क्या हो जाएगा, कितना आया भाई जैक्सन पर, तो ये I1 गया और उधर से I2 आया, और जैक्सन से बाहर कौन गया, I3, ठीक। बस अब लिख दीजिए, अब I1 क्या लिखना है आपको, तो I1 जो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा 30 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 3R, I2 जो इधर से बनेगा 20 माइनस थीटा बाय 2R, और I3 जो यहाँ पर बन रहा है थीटा माइनस 10 बाय R। बस इनको यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 30 माइनस थीटा बाई 3R I1 हो गया, प्लस 20 माइनस थीटा बाई 2R हो गया, और I3 थीटा माइनस 10 अपॉन R हो गया। तो R आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और बाकी आप सॉल्व करेंगे और उससे आपको थीटा दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए उसी तरह से और कोशिश करें। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आपने किया हो, तो यहाँ पर थीटा के लिए कैलकुलेशन कर लिया हमने फाइनल, तो देखिए इस तरह से आपको आ गया 16.4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट हो गया। अब उसी तरह से देखिए कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहता है, थ्री रॉड्स ऑफ सेम डायमेंशन आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, दे हैव थर्मल कंडक्टिविटीज K1, K2, K3, पॉइंट पी एंड क्यू को मेंटेन किया गया है डिफरेंट टेम्परेचर पर, इसका और इसका, और उसके बाद क्या कहता है कि हीट फ्लो एट द सेम रेट अलोंग पी आर क्यू, मतलब जो भी हीट एनर्जी इधर से इधर को जाएगी और जो डायरेक्टली पी क्यू इस तरफ से जाएगी, कहता है कि वो आपका सेम होना चाहिए, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखिए। तो मान लीजिए कि सभी सेम डायमेंशन है लेकिन K1, K2, K3 अलग अलग है, तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा, तो जिसका थर्मल रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 मान लिया, R1 की वैल्यू L बाई K1 A, L2 बाई K2 A, R2, R3 हो गया L बाई K3 A, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि जो भी रेट ऑफ हीट फ्लो इधर होना है वही इधर भी होना है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पाथ का भी रेसिस्टेंस वही होना चाहिए जो इस पाथ का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका टेम्परेचर डिफरेंस आपका अगर सेम रहा तो जितना रेसिस्टेंस इधर से चलेगा उतना ही रेसिस्टेंस इधर से हो, तो दोनों में क्या होता है, थर्मल करंट सेम जाती है, तो बस तो दोनों तरफ का रेसिस्टेंस सेम कर देना है, तो इधर जो आएगा ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में आ गया, और ये आपको जो हो गया ये सीधा सीधा आ गया, तो ये दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए R3 के, तो वही हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, R1 प्लस R2 का जो भी रेसिस्टेंस बनेगा वो अकेले इस R3 के रेसिस्टेंस के बराबर बनना चाहिए, ठीक है, तभी आपका यहाँ और यहाँ के अबाउट जो हीट फ्लो होगा वो इधर से और इधर से जितना जाएगा तो वो इतना अकेले इधर से चला जाएगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस पड़ा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम था। चलिए तो फिर बस पुट कर दीजिए एल बाई K1 ए, एल बाई K2 ए, एल बाई K3 ए, और उसके बाद कैंसिलेशन हो गया एल बाई K का, तो आप देख सकते हैं 1/K3 इज लाइक दिस, सो K3 इज दिस वन, ठीक है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो आई होप कि आपने किया होगा, ऐसे ही एक आध सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम, टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल, सेम लेंथ का है और सेम मटेरियल का है, ट्रांसफर ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकंड, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ हीट को 12 सेकंड में वो इधर से उधर ले जाता है, कब, व्हेन दे आर जॉइंट इन टू इंड, इन टू इंड मतलब ये हमने फिगर बनाया इन टू इंड इस तरह का, सेम लेंथ एल एल ए और के के, ठीक है, इधर भी, तो इन टू इंड मतलब यही हुआ सीरीज कनेक्शन। अब कहता है बट व्हेन दे आर जॉइंट लेंथ वाइज, लेंथ वाइज का मतलब ही हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन, लेंथ से लेंथ, ठीक है, देन दे विल ट्रांसफर सेम हीट इन सेम कंडीशन इन, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ था वही टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी रहे, तो इसके बारे में आपने पिछले लेक्चर्स में थ्योरी में पढ़ रखा है
कि अगर सीरीज वाइज अब अगर आपका टी टाइम लगता है तो सेम कंडीशन में आपका बिल्कुल आइडेंटिकल था, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 गुना कम समय लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा ये लेक्चर में। तो अगर यहाँ टी टाइम लगा है तो यहाँ पर लग जाएगा T/4, तो उस हिसाब से क्या होगा, क्वेश्चन में आपको टी देखिए क्या दिया हुआ है, 12 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/4 मतलब 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड इसका आंसर हो गया सीधा सीधा। तो थ्योरी अगर याद है तो हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4-5 पढ़िएगा। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, जैसे यहाँ पर दिया, एंड ए, इस तरह से। देखिए इन जनरल जब हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही रहता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया नहीं हम डिफरेंट ही देंगे, मतलब उसको इस तरह से अरेंजमेंट बना दिया है कि कोई भी हीट लॉस इधर उधर से नहीं हो, इसका जो भी हीट है वो इसके थ्रू कंडक्ट कर जाए, वो उस तरह से बना दिया है, तो फिर जो दिया है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, और क्या। तो इट्स शोन इन फिगर, द इंक्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 170, द टेम्परेचर एट द मिडिल पॉइंट सी इज व्हाट। तो यहाँ पर हमको बताना है कि क्या टेम्परेचर है। तो फिर इसमें भी वही बात है, जब आपका ये सीरीज में कनेक्शन आएगा तो जितना करंट इसमें है उतना ही हीट करंट यहाँ भी आएगा, मतलब जो भी हीट एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है वही हीट एनर्जी यहाँ से भी फ्लो होगी। तो मान के चलिए इसका थर्मल करंट आपका I1 बना, इसका थर्मल करंट I2 बना, तो I1 इज इक्वल टू I2, ये वाला कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, I1 इक्वल टू I2। ठीक है, तो ये लिखना होगा। तो I1 क्या है, तो I1 आपका यहाँ पर बच जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, तो मान लीजिए जिसका निकालना है थीटा है वो, तो 100 माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस L/K, तो L तो 1 है, KA, तो K क्या है हमारा, K वैल्यू आपका मटेरियल देखिए तो कैसा है, The ends are maintained, a metal rod of length 2 meter, तो मतलब सेम मेटल है, मतलब K दोनों का सेम होगा। ठीक है, बाकी ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो गया है, हो गया। अब I2 लिखना है, तो I2 हो जाएगा थीटा माइनस 70 एंड डिवाइडेड बाय L, उसका भी 1 था, और K वैल्यू मटेरियल सेम सेम मेटल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, अब इसको करना है, तो ये K आपका देखिए कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2A × A भी हटा दें, चलिए हट गया, ए रखिए 2, रखिए 2 × 100 माइनस थीटा बना, और यहाँ क्या बना, थीटा माइनस 70। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 2 थीटा, थीटा माइनस 70, और ये इधर आएगा तो क्या बन गया, ये 3 थीटा बन गया, और ये इधर जाएगा क्या हो गया, 270 हो गया, तो थीटा क्या हो गया, तो 3 से भाग दो तो 90 डिग्री सेल्सियस, तो 100 है यहाँ, 90 होगा यहाँ, 70 होगा, सो आपका जवाब करेक्ट हो गया, है ना। चलिए ऐसे ही लास्ट वाला भी देखिए जरा सा, वायर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल लेंथ्स एंड हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। ठीक, द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, आर ए ग्रेटर इक्वल टू 2 R भी दिया हुआ है। फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स बोथ वायर्स कंडक्ट हीट एट द सेम रेट, दोनों वायर जो है सेम रेट से हीट को कंडक्ट किया है। द रिलेशन बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटीज इज गिवन बाय, तो इनके थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन बताना है। तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप अटेम्प्ट ले, फिर मैं बना देता हूँ तो देख लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आराम से जो बोल रहा है वो हमने कर दिया। यहाँ पे क्या कहता है, वायर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल लेंथ, ए बनाया बी बनाया, आइडेंटिकल लेंथ LL दे दिया, हैव क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शंस इसके भी कुछ है, इसके भी कुछ है। द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, तो रेडियस ए इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी लिख दिया, मतलब ये वाला थोड़ा मोटा होगा, बना दिया। अब क्या हुआ, फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो थीटा वन थीटा टू वही थीटा वन थीटा टू यहाँ भी, द टू इंड्स बोथ वायर्स कंडक्ट हीट एट द सेम रेट, मतलब जो भी आई वन की वैल्यू यहाँ होगी वही आई टू की वैल्यू यहाँ होगी, मतलब जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यहाँ है वही डेल्टा क्यू बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी यहाँ है वही डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी यहाँ भी है। ठीक है, तो बस अब पूछ रहा है अगर ऐसी बात है तो रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटीज बता दीजिए, तो ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 I2 दोनों का बराबर हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम था, तो रेसिस्टेंस दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो L/KA का फॉर्मूला, तो L/K इसका के वैल्यू KA, इसका के वैल्यू KB, तो L/KA उसके बाद πr² और इधर हो गया L/KB πr² हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, L हट जाएगा, के बाद क्या हो गया, KA/RA² बराबर KB/RB², इस तरह से। फिर KA/KB अगर आप देखिएगा क्या होगा, RB/RA का होल स्क्वायर। अब इसके बाद RA का वैल्यू क्या है भाई,
तो आर ए आपने कहा टू आर बी है, तो टू आर बी रख दीजिए, आर बी आर बी कैंसिल हो गया, वन बाई टू का स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर। सो के वी इक्वल टू फोर टाइम्स के है ना, या के ए इक्वल टू के वी बाई फोर, यहाँ से देख सकते हैं के इक्वल टू के वी बाई फोर। तो चार नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको ढेर सारे करने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है वही सब बार बार यूटिलाइज हो रहा है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेडिएशन वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।